शुभ शुभ बोलो नागराज, शुभ बोलो। और अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि रणवीर सिंह के नेत्र कभी ना खुले। यदि वो एक क्षण के लिए भी जग गए तो हम दोनों की बहुत दुर्गति होगी। आप ठीक कह रहे हैं, पशुराज की महाशक्ति को पहले एक बार मैंने भी देखा है। उन्हें शस्त्रों से नहीं बल्कि किसी चाल में फंसा कर ही अपने वश में किया जा सकता है हुजूर। नहीं दुर्गेश्वरी, उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद है, इसमें उनकी कोई चाल लग रही है। कुछ भी हो सकता है, किंतु यही अवसर है। अगर हम सावधानी पूर्वक छिपते छिपाते यहाँ से निकल गए तो रूपनगर आसानी से पहुंच सकते हैं। भाई जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने से हम तो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं वैद्यराज जी। आप चिंता मत कीजिए कुमार, मंत्रीवर की स्मृति को पुनः वापस लाने के लिए हमें कुछ और प्रयास करने होंगे। एक सेना प्रमुख के होते हुए क्या आप ये नहीं जानते थे कि रूपनगर और रूपनगर के महल में क्या मनमानी चल रही है? आप ही बताइए कि इस कष्ट का दोषी किसे माना चाहे। यदि आपने राजकुमारी जी को रूपनगर के महल में बुला लिया तो शत्रुओं के दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता राजकुमारी चंद्रमुखी कौन है और कहाँ है। प्रणाम भुवन सिंह जी। इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हैं? और महाराज ने आपको अचानक क्यों याद किया था? क्या हमें नहीं बताएंगे? अवश्य बताएंगे रूपमती, किंतु इसको सुनते ही तुम्हारी चेतना लुप्त हो जाएगी। अब रूपनगर के इस महल में तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया है और आज के पश्चात इस महल में तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। ये महाराज का आदेश है और अब इस महल में कोई षड्यंत्र भी नहीं हो पाएगा। षड्यंत्र? आप कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? और हम तो ये भी नहीं जानते कि महल में कौन षड्यंत्र कर रहा है। इतनी भोली मत बनो रूपमती, तुम सबका भेद जानने के लिए जो महल में इधर उधर घूमती फिरती हो इसका पता महाराज के सभी विश्वास पात्र उच्च अधिकारियों को है, और वो ये भी जानते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो। हम समझे नहीं, आप हमें ये क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझ तो सब कुछ रही हो रूपमती, किंतु हमारे सामने अपने बचाव के लिए असत्य बोल रहे हो। रूपनगर के महल के शत्रुओं ने तुम्हारा और तुम्हारे पिछले कलावती के रूप का ऐसा प्रचार किया कि गजराज सिंह और अभिमन्यु भी शत्रुओं की चाल में फंस गए थे, किंतु तुम्हारी सत्यता उनसे अधिक दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। तुम और महल के शत्रु ये चाहते थे कि षड्यंत्रों की गंध महाराज तक ना पहुंचे। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है रूपमती, तुम्हें यह महल छोड़ के तत्काल जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भुवन सिंह जी? हम ये महल छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। महामंत्री वीरेन सिंह, जिनकी कृपा से तुम अभी तक यहाँ टिकी हुई थी, उन्हें हम सूचित कर देंगे। अब तुम अपने लिए कोई नया स्थान ढूंढ लो रूपमती, क्योंकि तुम्हारे लिए अब इस महल में कोई जगह नहीं। हम जा तो रहे हैं भुवन सिंह जी, किंतु याद रखना हमारे अपमान का बदला लिए बिना हम कभी चैन से नहीं बैठे। गजब हो गया मंगू, अब हमारे सरकार का क्या होगा? पता नहीं चंगू, लेकिन वही होगा जो हमारे मूर्ख सरकार के भाग्य में लिखा होगा। पता नहीं रूपमती के चले जाने के बाद हमारे सरकार कैसे जी पाएंगे, यही सोच सोच कर तो मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। हाँ मंगू, हमारे सरकार रूपमती के प्यार में गले तक डूबे हुए हैं। हाँ, जब उन्हें यह सूचना मिलेगी कि रूपमती को महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, तब ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। मुझे तो लगता है कि क्रोध में आकर के वो आत्महत्या कर लेंगे या सुबुद्धे खुसट भुवन सिंह के दांत तोड़ देंगे। चंगू, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तब हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। चंगू, तू भगवान से प्रार्थना कर कि हे भगवान, जब हम ये सूचना उनको सुनाए तो सुनते ही आत्महत्या कर ले। हमारे भाग्य ऐसे का, कभी कभी तो ऐसे लगता है
कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, किंतु एक दिन आत्महत्या करना अवश्य लिखा है। यदि हमारे सरकार ने आत्महत्या नहीं की तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। चल चलो, अपने सोए हुए सरकार को नींद से जगाते हैं। चलो चल। तुम दोनों का बाप मर गया? कितने मुंह फाड़ फाड़ के रो रहे हो? नहीं सरकार, हमारे तो माई बाप आप है जो अभी भी सोकर उठे सरकार। तो फिर पिल्लों की तरह जोर जोर से क्यों विलाप कर रहे हो? रोने तो जाओ, जंगल में जाके रो। कम वक्त नींद उड़ा दी हमारी सरकार। जो सूचना हम आपको देने वाले हैं, वो सूचना सुनकर आप सदा सदा के लिए संसार से कुछ कर जाएंगे, या तो बुड्ढे खुसट भुवन सिंह का दांत तोड़ देंगे जिसने आपको हमेशा हमेशा के लिए विधवा बना दिया। चुप चुप जुआ का बच्चों, अब शीघ्र बताओ बात क्या है, नहीं तो तुम दोनों की मूछें उखाड़ कर जंगल में शेर के सामने भिगवा दूंगा। नहीं सरकार, वो आपकी खूबसूरत प्रेम का रूपमती जी है ना, उनको हमेशा हमेशा के लिए इस महल से निकाल दिया गया है, अब वो दोबारा इस महल में कभी नहीं दिखेंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता मंगू, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे रूपों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं, ये हो चुका सरकार, अब समझ लीजिए वो आपके लिए मर गई और आप उसके लिए मर गए। अरे ये तो हम जानते हैं दोस्त, पर ये बताओ कि अचानक ये क्या हो गया, रूपमती ने ऐसा क्या कर दिया कि हम विवाह से पूर्व ही विधवा हो गए। सरकार, रूपमती जैसे दिखती थी वैसी थी नहीं सरकार, वो कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती सरकार, धन प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती थी सरकार, वो किसी के प्राण भी ले सकती थी सरकार। लगता है अपने सरकार पागल हो गए, अचानक रोते रोते हंसने लग गए। चंगू, मैंने तो सोचा था कि अपनी सरकार आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन चलो कम से कम आत्महत्या नहीं की तो पागल तो हो गए। चंगू, अब मैं पूछता हूँ कि अपनी सरकार हमें पहचानते हैं कि नहीं। सरकार सरकार बताइए, हम कौन है और आप कौन है? हम धुआं सिंह, तुम मंगू, तुम चंगू। अरे मूर्खो, हम तो ये सोचकर प्रसन्नता से हंस रहे थे कि हम बाल बाल बच गए। जो रूपमती किसी की सगी नहीं हो सकती, वो भला आपने कैसे हो सकती है, बोलो। अरे हाँ। अच्छा हुआ दुष्ट रूपमती को महल से भगा दिया। जाओ, तुम दोनों को एक दिन के विश्राम देता हूँ। मजा करो, घूमो फिरो, जाओ। सरकार की जय, सरकार की जय, सरकार की जय, सरकार की जय।
गुप्त महल में स्वागत है। महाराज के स्वामी भक्त बने रहो। अकस्मात ही हमें कुसमी से मिलने यहाँ आना पड़ा है, किंतु आने से पहले हमने संदेशा भिजवाया था। क्या कुसमी किसी कार्यवश गुप्त महल से बाहर गई है? गुप्त महल के प्रमुख और राजकुमारी चंद्रमुखी जी की अंगरक्षिका कुसुमी जी को आपका गुप्त संदेशा नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो अभी अभी महल में लौटी है। कोई बात नहीं, अब वो महल में आ ही गई है तो हमारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। आप सब गुप्त महल के आंगन में जाकर विश्राम कीजिए, हम कुछ समय बाद आकर आपसे मिलते हैं। नगर के महल में महाराज सकुशल तो हैं? महाराज सकुशल है। चंद्रमुखी से मिलने अचानक हमें यहाँ आना पड़ा है, किंतु आने के पहले हमने संदेशा भिजवाया था, लेकिन किसी कार्यवश आपके बाहर जाने से आपको संदेश नहीं मिल सका। राजकुमारी चंद्रमुखी जी के लिए पुष्प चुनने हम बागों में गए थे। राजकुमारी चंद्रमुखी जी को जब तक अपने महल के मुख्य बागों से खिले हुए ये चंद्रमुखी के फूल मिले जो इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलते हैं। अगर उनकी पूजा समाप्त हो गई हो तो उन्हें ये संदेशा भिजवा दें कि हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। राजकुमारी जी की पूजा समाप्त होने ही वाली होगी, किंतु क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ कि आपको अचानक उनसे मिलने क्यों आना पड़ा? उनकी अंगरक्षिका होने के नाते ये पूछना हमारा कर्तव्य बनता है। आप इस बात का बुरा ना माने भुवन सिंह, तुम अपना कर्तव्य पूर्ण सत्य निष्ठा और निडरता से निभा रही हो, यह जानकर हमें अपार प्रसन्नता हुई। तुम जैसे स्वामी भक्त लोगों की रहते ही राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राण बचे हुए। रूपनगर से दूर गुप्त महल के सूने आंगन में तुम और तुम्हारे चंद विश्वास पा गुप्त अधिकारी ही जानते हैं कि चंद्रमुखी यहाँ रहती है। हम तुम्हें कारण तो नहीं बता सकते, पर इतना अवश्य बताएंगे कि अब कुछ समय पश्चात राजकुमारी चंद्रमुखी इस महल की दीवारों से मुक्त होने वाली है। अगर ये सत्य है तो राजकुमारी जी की एक लंबी और अंतहीन प्रतीक्षा का अंत हो गया। आप अतिथि कक्ष में विराजिए, मैं राजकुमारी जी को तुरंत ही आपके पास भेजती हूँ। आप ही उन्हें ये सुखद समाचार दीजिए, वो सुनेंगी तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। पधारी। भुवन काका, आ
आप अचानक यहाँ? राजकुमारी चंद्रमुखी, कैसी हो बेटी? आपको देखे कितना समय बीत गया। हमें भी आपको और पिताश्री को देखे कितना समय व्यतीत हो गया है भुवन काका। पता नहीं पिताश्री से मिलने की हमारी अभिलाषा कब पूरी होगी। कभी कभी तो लगता है कि जैसे हमारा सारा जीवन इस गुप्त महल में रहते रहते तो व्यतीत नहीं हो जाएगा भुवन काका। नहीं नहीं राजकुमारी, एक लंबे समय के पश्चात आपकी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। भुवन काका, क्या ये सत्य है? कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? क्या वास्तव में हमारी महल में वापसी होने वाली है? राजकुमारी, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। अब एक राजकुमारी को छुपकर गुप्त महल में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। रूपनगर के महाराज ने हमें आपको लाने के लिए भेजा है। आज इतने वर्षों के पश्चात ये शुभ समाचार सुनकर हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें इस गुप्त महल की दीवारों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिलने वाली है भुवन काका। हाँ बेटी, महारानी के देहांत होने के पश्चात महाराज ने आपको एक माँ की तरह पाला था, किंतु शत्रुओं के भय से उन्हें आपकी पहचान को छुपाना पड़ा और एक कन्या को दूसरे राज से बुलाकर उसे राजकुमारी बनाकर महल में रखना पड़ा, ताकि यदि शत्रु हमला भी करे तो आप सुरक्षित रहें। लेकिन अब महल की परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं? किंतु कैसे? आप अवश्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं भुवन काका, सत्य बताइए, बात क्या है? सत्य तो ये है कि महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। अब वो राज्य की बागडोर संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए महाराज ने अपने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए आपको महल में बुलाने का निर्णय लिया है। किंतु हम अचानक कैसे इतने कठिन कार्य को निभा पाएंगे भुवन काका? आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमें और महाराज को पूर्ण विश्वास है कि अब इस संसार आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सबसे पहले हमें आपको रूपनगर के महल में छुपाकर पहुंचाना होगा, ताकि शत्रुओं की दृष्टि आप पर ना पड़ सके। इसके पश्चात महल में महाराज से आपकी गुप्त भेंट होगी और इसी बीच हम कोई ऐसी योजना बनाकर समय आते ही अपने शत्रुओं को वश में कर लेंगे। हम समझ गए हैं, हमें बस इतना बता दीजिए हमें रूपनगर की महल की ओर कब प्रस्थान करना होगा। आपको अभी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। हमारे विश्वासपात सैनिक आपको सुरक्षित रूपनगर के महल में पहुँचा देंगे। महारानी जी रुकिए, हे भगवान, हम तो पूरे गांव से छिपते छिपाते वनराज को खोजने निकले थे, अब देवधर बाबा ने हमें देख लिया है। महारानी जी, आप इस प्रकार पोटली लिए छिपते छिपाते कहां चली जा रही हैं? रूपनगर। बाबा, अब हम अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम अपनी कुटिया और ये गांव छोड़ रूपनगर की ओर प्रस्थान करेंगे। नहीं महारानी जी, ऐसा अनर्थ कभी मत कीजिएगा। आप शीघ्र यहां से वापस लौट चलिए। रूपनगर के इन विशाल जंगलों में युवराज को ढूंढना इतना आसान कार्य नहीं है।
एक बार मैं ये प्रयास करके देख चुका हूँ महारानी जी, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सका। आप कुछ समय युवराज की प्रतीक्षा कीजिए, वो शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। नहीं बाबा, अब प्रतीक्षा नहीं हो सकती। हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। वनराज के बिना हमारे जीवन में केवल अंधेरा रह गया बाबा, और अब हम इस अंधेरे से बहुत घबराने लगे हैं। हमें मत रोकिए, जाने दीजिए। नहीं महारानी जी, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। परंतु मेरे जीते जी मैं आपके प्राणों को संकट में कभी नहीं डाल सकता हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है महारानी जी कि आप शीघ्र यहां से वापस लौट चलिए। और यदि हमने वापस जाने का निर्णय नहीं लिया तो क्या आप हमारा पथ अवरुद्ध कर देंगे? नहीं महारानी जी, भला मैं आपके साथ इस प्रकार की दृष्टता करने का प्रयास कर सकता हूँ? कदापि नहीं। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता महारानी जी। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। देखिए, मेरी इस प्रार्थना को ठुकराइएगा नहीं, अन्यथा इस जंगल में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। ईश्वर करे आपको हमारी आयु भी लग जाए। आपके जैसे महापुरुष के कारण तो हम अभी तक जीवित हैं। आज के पश्चात ऐसी बातें मत कीजिएगा। ठीक है महारानी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। आइए हम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आइए। कहते हैं कानों से सुना हुआ असत्य हो सकता है, किंतु नेत्रों से देखा हुआ कभी नहीं। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि कुंदन भैया ने तुम दोनों के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सत्य था। देवा, तुम्हारे नेत्रों ने ऐसा क्या देख लिया है जो तुम्हें उस अधर्मी कुंदन की याद आ गई? तुम कहना क्या चाहते हो? यही, अभी तक तो हमारे कानों ने केवल सुना ही था, आज हमारे नेत्रों ने ये सब देख भी लिया है। क्यों महारानी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? असत्य है ये। हम तो अपने किसी कार्य से यहाँ पर आए थे और हमारी भेंट अचानक देवधर बाबा से हो गई। बस गांव से इतनी दूर इस सुनसान जंगल में देवधर बाबा और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है, ये हमारे समझ में नहीं आया। हमें लगता है तुम दोनों ये गांव छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हो। देवा, तुम भी कुंदन की तरह नीच और दुष्ट इंसान हो। महारानी जी अपने पुत्र वनराज के स्मरण में विचलित होकर उन्हें ढूंढने यहाँ आई थी, और यही सत्य है। मुझे सत्य मत समझाइए देवधर बाबा, क्योंकि सत्य को तो मैं अपने नेत्रों से देख चुका हूँ। महारानी जी के हाथ में जो वस्त्रों की पोटली है ना, इसे देखकर तो कोई बालक भी बता सकता है कि अब तुम दोनों भागने की तैयारी में हो। घोर कलयुग आ गया है, घोर। सत्य कह रहे हो तुम, घोर कलयुग ही आया है। यदि कलयुग नहीं होता तो आप जैसे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट न हो गई होती, और देवधर बाबा जैसे संत पर कीचड़ नहीं उछाला जाता। महारानी जी, आप ऐसे नीच व्यक्तियों की बातों पर आकर अपने आप को दुखी मत कीजिए। देखिएगा, भगवान उन लोगों को घोर दंड देगा जिन्होंने आपके चरित पर लाछन लगाने की चेष्टा की है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर में एक जवान बेटी के होते हुए
इस अवस्था में महारानी के साथ में छुप छुप कर रास लीलाएं मना रहे तो क्या होगा? तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी बेटी को मिलेगा, देख लेना, उससे कोई विवाह नहीं करेगा। देवा, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा पद हो जाएगा। नहीं बाबा, इस अधर्मी की बातों में आकर आप ये अनर्थ मत कीजिएगा, वरना आपकी आपकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। चलिए, इन पापियों से दूर जाने में ही हम सबकी भलाई है, चलिए यहां से। यदि रानी पद्मावती और देवधर बाबा को इस गांव से नहीं भगाया गया, सारे गांव में त्राही त्राही मच जाएगी। अब तुझे ही कुछ करना होगा देवा, तुझे ही कुछ करना होगा। क्या कह रहे हो देवा? हाँ, रानी पद्मावती को देवधर बाबा भगा ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ कुंदन भैया, यह तो मैं समय पर पहुंच गया, अन्यथा वो दोनों ये गांव छोड़कर भाग चुके होते। मैं उन्हें पथ में मिल गया, इसलिए वो दोनों वापस लौट आए। जय रघुनंदन। जो महारानी पद्मावती कुंदन के ऊपर लांछन लगा रही थी, स्वयं चरित्रहीन हो गई। अब मैं सारे गांव वालों के सामने उसकी पोल खोल दूंगा, फिर देखना देवा। महारानी पद्मावती पड़ी पड़ी कैसे रक्त के आंसू बहाती है। वाह देवा, आज तूने मुझे वो खुश खबर दी है कि मेरी सोई हुई शक्ति वापस जाग उठी है। यह तो आरंभ है कुंदन भैया, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस महारानी ने तुम्हें सारे गांव की दृष्टि से नीचे गिरा दिया है, मैं उस महारानी को सारे गांव की दृष्टि से नीचे गिरा कर लाऊंगा। वाह देवा वाह, मित्र हो तो तुझ जैसा। और देखना देवा, जब चंदा को महारानी की करतूतों का पता चलेगा तो कैसी प्रसन्न होती है वो। देखो अभी मैं चंदा को बुलाता हूँ। चंदा बिटिया, ओ चंदा बिटिया। क्या हुआ बापू? बेटी वही हुआ जिसका डर था। महारानी पद्मावती देवधर बाबा के साथ गांव छोड़कर भाग रही थी, किंतु देवा ने उन्हें देख लिया, इसलिए मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। हाँ क्या, महारानी अब इतने नीचे गिर गई हैं कि उन्होंने गांव छोड़कर भागने की योजना बना ली? महारानी के चरित्र पर तो मुझे शुरू से ही संदेह था, लेकिन इस तरह वो गांव छोड़कर भागने की योजना बनाएंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अब देखना मैं किस तरह महारानी से गिन गिन के बदला लूंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं बेटी। जब सारे गांव वालों के सामने महारानी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी और सारे गांव वाले मुझ पर थू-थू कर रहे थे, लेकिन बेटी अब बारी है महारानी की। महारानी के साथ साथ अब उस देवधर बाबा को भी दंड भुगतना पड़ेगा कुंदन भैया, क्योंकि एक साधु के वेश में उसने जो कार्य किया है उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवा, महारानी के साथ साथ हमें उस देवधर बाबा को भी दंड देना होगा, ताकि फिर कभी कोई महात्मा के वेश में ऐसा घृणित कार्य ना कर सके। उस देवधर बाबा को तुम मैं गाँव में तो क्या, मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम जाओ देवा, मैं महारानी जी को नीचा दिखाने की युक्ति ढूंढता हूँ। और तब तक मैं महारानी पद्मावती और देवधर बाबा के करतूतों को सारे गांव में अग्नि की तरह फैला देता हूँ। चलता हूँ। जय राम जी की। बापू, जब भी गांव वाले तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाते थे तो मेरी दृष्टि लज्जा से नीचे झुक जाती थी, लेकिन अब मैं दृष्टि उठाकर पूरे गांव वालों से कहूंगी कि दुष्ट मेरा बापू नहीं, अभी तो महारानी पद्मावती पर देवधर बाबा हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, अब अपराधियों को दंड देने का समय आ गया है। इस वक्त मैं जाकर देखता हूँ कि महारानी पद्मावती क्या कर रही है।
कैसी हैं महारानी जी आप? तुम? हाँ मैं। आपका कुंदन? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी कुंदन, हमारे दृष्टि के सामने से हट जाओ तुम। लो कर लो बात, सारे गांव में एक ही चर्चा है कि देवधर बाबा आपको चुपके से भगा के ले जा रहे थे। ये तो देवा ने आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम पहले भी दुष्ट थे और अब भी दुष्ट हो। एक युवा पुत्री के पिता होते हुए ऐसा नीच कार्य के बारे में सोचते हो? देखना, तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। यदि आप मुझे स्वीकार कर लो महारानी जी, तो इस पृथ्वी पर मेरा तो स्वर्ग बस जाएगा। वक्त आ गया है महारानी जी, मेरा हाथ थाम लो। कुंदन! कुंदन! दुष्ट, नीच, अधर्मी, तेरा इतना साहस कि तू महारानी के हाथों को पकड़ने की दृष्टता करे? कुंदन, आज तूने एक साधु को हिंसा का सहारा लेने के लिए विवश कर दिया है। अभी इसी समय मेरी दृष्टि के सामने से ओझल हो जा, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। चला जा। देवधर, तूने गांव के मुखिया पर हाथ उठाया है, अब देखना मैं सारे गांव को तेरे विरुद्ध कर दूंगा। महारानी के सम्मान के लिए यदि मैंने अपने प्राण भी नेछावर कर दिए तो वो मुझे स्वीकार है। देख लेना, ईश्वर कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा। अरे मेरी छोड़ तेरी छोड़ देवधर, तूने गांव के मुखिया को थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सारे गांव में फैल उठेगी और गांव वाले इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। जय रघुनंदन। महारानी जी, आप चिंता ना करें, मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद ये नीच कुंदन कभी भी आपके सामने आने का साहस नहीं करेगा। माँ, माँ, इतने दुखों को सहने के बाद भी हम तुझ पर भरोसा करते रहे, तुझे प्रसन्न करने के लिए दिन रात तेरी पूजा करते रहे, किंतु हमें कष्टों के सिवा और कुछ न मिला। यदि अपमान और दुख ही हमारे भाग्य में लिखा है तो हमें जीवन से मुक्त कर दे, हमें नहीं और जीना है, बस बस एक बार हमें अपने पुत्र वनराज से मिलवा दे, उसके बाद हम इस पापी संसार से सदा सदा के लिए तेरे पास लौट आएंगे। एक माँ होकर माँ की पीड़ा को तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? याद रख, यदि शीघ्र से शीघ्र तूने हमारा मिलन हमारे पुत्र वनराज से नहीं करवाया तो हमारे साथ साथ सारे संसार की माताओं का विश्वास टकमगा जाएगा। अब एक अंतिम प्रार्थना सुन ले माँ, हमें हमारे पिछड़े हुए बेटे से मिलवा दे, हमारी खोई हुई ममता हमें लौटा दे माँ, लौटा दे।
सेना प्रमुख जी को सेवक का प्रणाम। महाराज जाग रहे या निद्रा में? महाराज जाग रहे हैं। महाराज को ये संदेश पहुंचा दो, सेना प्रमुख महेंद्र सिंह गुप्त जंगलों के रण क्षेत्र से मंत्री राजवीर और नागराज को अपने साथ लेकर आए। जो आज्ञा माने। सेना प्रमुख जी, क्या महाराज हम पर अधिक क्रोधित है? हाँ नागराज, महाराज नहीं चाहते कि उनका कोई भी मंत्री रणवीर सिंह या परमवीर सिंह की सहायता करे। सेना प्रमुख जी, हम तो गुप्त जंगलों में जाना ही नहीं चाहते थे, वो परमवीर सिंह उसने हमें विवश कर दिया। मान्यवर, महाराज आपको भीतर अपने कक्ष में बुला रहे हैं। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया। महामंत्री राजवीर सिंह, क्या आप अपने आप को साधारण सैनिक समझते हैं? जैकमैलिया डाकू को पकड़ने के लिए आप रूपनगर के जंगलों में चले गए थे। आपको अपने पद की गरिमा का कोई ध्यान है या नहीं? क्षमा करें महाराज, हम जाना नहीं चाहते थे, किंतु पूर्व मंत्री और रणवीर सिंह ने। यह रणवीर सिंह कौन होता है? हमारे रूपनगर में उसका कोई स्थान नहीं है। मंत्री तुम हो या रणवीर सिंह? क्षमा कीजिए महाराज, मुझे बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं है, किंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह के घायल होने के पश्चात उनके छोटे भाई परमवीर सिंह ने महामहिम को रूपनगर के गुप्त जंगलों में जाने पर विवश कर दिया। उन्होंने महामहिम से कहा कि रूपनगर की मर्यादा संकट में है, इसलिए महामहिम उनके साथ रूपनगर के जंगलों में चले गए। हमने तुमसे पहले भी कहा था कि हम उस परमवीर सिंह का साथ नहीं देना चाहते, किंतु तुमने हमें रूपनगर की मर्यादा के नाम पर उनका साथ देने के लिए कहा, और अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ। महाराज पहली बार हम पर क्रोधित हो गए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए महामहिम। महामहिम, मैं तो केवल रूपनगर की मर्यादा बचाना चाहता था। मेरे कारण आपको जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए महामहिम। रूपनगर के जंगलों में एक महिला डाकू के प्रवेश कर जाने से रूपनगर की मर्यादा भंग कैसे हो सकती है नागराज? तुम्हें इतनी छोटी सी भी समझ नहीं? महाराज, मैं मूर्ख आपके सामने दृष्टि उठाने का साहस भी नहीं कर सकता, तो जब मुझे पता चला कि डाकू दुर्गेश्वरी के साथ कोई दो युवराज भी आ रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और मैं उन दोनों युवराजों की सहायता करने के लिए रूपनगर के जंगलों में चला गया। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम किन युवराजों की बात कर रहे हो? उन्हें हमारे राज्य में के शत्रु से अपने प्राणों का भय है, और तुम उनकी सहायता करने के लिए जंगलों में चले गए? महाराज, अब आपके दर्शन हो ही गए हैं तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। पूर्व मंत्री वर रणवीर सिंह बहुत क्रूर हो गए। वो बाहर के प्रदेशों से आए किसी युवराज को नहीं छोड़ते हैं। वो या तो उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं या फिर उन्हें बंदी बना लेते हैं, ताकि समय आने पर वो उन बंदी युवराजों की सेना बनाकर रूपनगर पे आक्रमण कर सके। इसलिए मैं महामहिम को लेकर रूपनगर के गुप्त जंगल में चला गया। क्यों सेनापति जी, हमारे महल में ये क्या राजनीति चल रही है, हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा करें महाराज, हमें भी पूर्व मंत्री रणवीर सिंह के दुष्कर्मों के बारे में पता नहीं चल पाया था। रणवीर सिंह ये षड्यंत्र सीमा के बाहर से करते आ रहा है, किंतु अब हम सतर्क हो चुके हैं, हमारे जीते जी अब कोई ऐसा पाप नहीं कर पाएगा, ये वचन हम आपको देते हैं। हमारी धरती पर बाहर से आने वाला कोई युवराज किसी शत्रु के हाथों नहीं पड़ना चाहिए, पर ये दोनों युवराज डाकू दुर्गेश्वरी के साथ रूपनगर की तरफ क्यों बढ़े जा रहे हैं, हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मुझे पता चला है कि उन दोनों युवराजों में से किसी एक युवराज का भाई अभी भी पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह का बंदी बना हुआ है। वो उसी बंदी युवराज को छुड़ाने के लिए उस डाकू दुर्गेश्वरी की सहायता से रूपनगर की ओर आ रहे हैं। ये हमारा राज का घोर अपमान है सेनापति। अब तुम्हें उन दोनों की रक्षा करनी चाहिए और उस बंदी युवराज को ढूंढकर
जल्द से जल्द मुक्त करवा देना चाहिए। हम अभी और इसी वक्त खोज आरंभ कर देंगे महाराज। हमें पूर्ण विश्वास है हम उस बंदी युवराज को शीघ्र ही खोज कर आपके सामने ले आएंगे। हमें उस बंदी युवराज के साथ वो दोनों युवराज भी चाहिए जो रूपनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन्हें अपने राज का अतिथि बनाना चाहते हैं क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन हम अभी और इसी वक्त आरंभ करते हैं। हम चलते हैं। प्रणाम महाराज। हमारे लिए क्या आदेश है? बहुत विशेष कार्य सौंप रहे हैं। हमारे इस राजमहल में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं। आप भवन सिंह के साथ मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रहे, हमारे विशेष अतिथि को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आप जा सकते हैं। चलो नागराज, हमें महाराज की विशेष अतिथि के स्वागत की तैयारी करनी है। प्रणाम। प्रणाम महाराज।